नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली एनसीआर, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा समेत 11 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने फिर जारी किया वीडियो, कहा वह सरेंडर नहीं कर रहा है, दावा किया वह भगौड़ा नहीं है और सरकार से नहीं डरता है। इंदौर में रामनवमी पर बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी की छत धसने से 36 लोगों की मौत, सेना एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे, उन्होंने नए परिसर में 1 घंटे से अधिक समय बिताया और नए भवन की बारीकी से निरीक्षण किया। मोदी सरनेमौले बयान पर भड़के ललित मोदी, खुद को भगौड़ा कहे जाने पर उठाए सवाल, राहुल गांधी पर मुकदमे की दी धमकी, कहा उसके परिवार ने गांधी परिवार की तुलना में भारत के लिए अधिक योगदान दिया है। रामनवमी पर महाराष्ट्र के संभाजीनगर, गुजरात के बड़ोदरा और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बवाल, हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। राजस्थान के कोटा में रामनवमी के मौके पर करतब दिखा रहे 3 लोगों की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़े, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग की सूची में राहुल गांधी का नाम उन लोगों की सूची में शामिल है जिन्हें चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि यह राहुल गांधी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके हमनाम हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देवी दुर्गा की मूर्ति चुराने और भगवान हनुमान की 2 मूर्तियों को तोड़ने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी, पहली बार किसी पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति पर आपराधिक आरोप, पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए रकम देने का मामला। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और इसी ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।